हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है परसेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज के बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं, परसेंटेज तो हम सुनते आए हैं, हमने देखा है, पेपर दिए हैं हमने, हर पेपर के अंदर हमारे नंबर आते हैं। लोग नंबर पूछने की जगह ना हमसे परसेंटेज पूछने जाते हैं। हाँ भाई, तेरे कितने परसेंट आए? ठीक है भाई, तेरे छोरे के कितने परसेंट आए? रिश्तेदारी वाले वगैरह सब कोई परसेंटेज पूछने लग जाता है, तो हमें परसेंटेज का तो पता चल गया कि होता क्या है। अब देखते हैं कि ये वर्ड बना था ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ये वर्ड होता है मेरा, ये क्या हो जाता है मेरा? पर और सेंट। इससे बना है इंग्लिश के अंदर, देखते हैं पहले दो वर्डों से बना है। देखो, जो ये पीछे का एज जुड़ता है ना, ये किसी भी चीज़ को नाउन बनाने के लिए यूज होता है। क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? नाउन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी जो हमारा ये वर्ड क्या है, हमारा परसेंटेज मतलब पीछे का एज, हमारा क्या बनता है? इसको नाउन बना। नाउन सभी को पता है, संज्ञा सभी को पता है क्या होती है, तो इसको हटा देते हैं। इसका मतलब है ये एज ही ई सिर्फ नाउन बनाने के लिए था। तो वर्ड बना किससे? दो चीज़ से बना है, पर और सेंट। पर का मतलब क्या होता है? वन अपॉन। और सेंट, सेंट भैया ये अंग्रेजों का वर्ड होता है, जिस तरह सेंचुरी हो गया, सेंचुरी मारी। सेंचुरी मतलब सो, मतलब बटे में सो आ जाए। मतलब जो ये मेरा नंबर है 1/100, इसको मैं क्या कह देता हूँ? इस चीज़ को मैं क्या देता हूँ? परसेंट। तो मैं क्या कह देता हूँ? परसेंट। और जब इसके रिस्पेक्ट में, जब डिनोमिनेटर्स में सो हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ? वो हो गया हमारा परसेंटेज। हिंदी में भी सेम है। यहाँ पर देखो क्या है, ये प्रति और ये है हमारा शत। शत, शताब्दी हो गया, ठीक है, शतक हो गया। तो शत का भी मतलब सो हो जाता है, प्रति मतलब 1/100। तो दोनों का वर्ड मतलब एक ही हुआ, यह आ गया प्रतिशत। अब ये कह रहा है प्रतिशत, इसको फिर हमने क्या करा, बार बार परसेंट या प्रतिशत ना बोलते हुए हमने एक सिंबल बना लिया, ये वाला। इसको हम क्या कहने लग गए? ये किस चीज़ का सिंबल हो गया? हमारा परसेंटेज का सिंबल हो गया। अब मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, सबसे पहले देखते हैं। जैसे 100 नंबर का मेरा पेपर था, 100 नंबर में मेरे 50 नंबर आते, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 × 1/100। अब जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो जो ये मेरा 1/100 होता है ना, जो 1/100 होता है, इस चीज़ को मैं परसेंट बोल देता हूँ। ये कितना हो गया मेरा? 50%। इसका मतलब ये है कि जो ये परसेंट है, ये किसके बराबर बताया था अभी हमने? 1/100 के। तो परसेंटेज का सिंबल हो गया हमारा 1/100, ओके। या फिर अब कहीं 1/100 दिख जाए, तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? परसेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम कह देते हैं ना, जिस तरह एक मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जिस तरह 5x + 3y = 0, और मैं क्या कह देता हूँ? पुट x = 10। x की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 5 × 10 + 3 × y = 0। हमने x की वैल्यू 10 लिख दी। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक x होता है, इसी तरह ये हमारा एक सिंबल होता है, ये परसेंट वाला। ये क्या होता है? एक हमारा सिंबल होता है परसेंट वाला। अब ये करता क्या है? इसकी जगह मुझे क्या लिखना होता है? 1/100। इस चीज़ की जो वैल्यू है वो फिक्स है। इस चीज़ की क्या है? जो वैल्यू है वो मेरी फिक्स है, ओके। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान बात है, तो हटा देते हैं। मैं क्लियर हो गया होगा सभी को, तो इस हिसाब से मैंने ये कर लिया। अब देखो एक चीज़ है कहने की बात, अगर ये 50/100 लिखा है, तो इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ कि ये किसकी फॉर्म में है? या तो मैं इसको कह दूँ कि ये p/q की फॉर्म में है, या फिर मैं ये कह दूँ ये x/y की फॉर्म में। अगर कोई भी चीज़ मेरी p/q या x/y की फॉर्म में होती है, तो इस चीज़ को मैं क्या कह देता हूँ? फ्रैक्शन कहता हूँ। इस चीज़ को क्या कहता हूँ मैं? फ्रैक्शन कहता हूँ। हिंदी में इसको मैं भिन्न कह देता हूँ, कि एक मेरा भिन्न हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या करा है, जो फ्रैक्शन था इसको किसके अंदर चेंज कर दिया हमने? परसेंट के अंदर। तो किसके अंदर चेंज कर दिया? परसेंटेज के अंदर चेंज कर दिया अभी हमने, को प्रतिशत में बदल दिया हमने। किसमें बदल दिया? प्रतिशत में बदल दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और सिमिलरली
मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 20% लिख दिया। और परसेंट एक सिंबल है जिसका मतलब कितना होता है, 1/100। तो इसको लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई में 1/100। तो ये कितना हो गया मेरा, 20/100। डिवाइड हर कोई कर सकता है, सभी को पता है, बस हमने परसेंटेज को लिख दिया 1/100। तो यहाँ पर हमने क्या करा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तित कर लिया हम। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है ना हमारा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन से जब मुझे क्या बनाना हो, परसेंट बनाना, क्या बनाना हो, परसेंट बनाना हो, तो मैं कैसे बनाता हूँ, मैं एक फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। जैसे कोई भी 2/5, एक फ्रैक्शन लिख लिया मैंने 2/5। 2/5 को मुझे परसेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फ्रैक्शन है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंटेज का सिंबल लगा दूँ। अब ये 100% लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 100/100। मतलब यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करा था 100/100 से, जो मेरा भिन्न था उसको गुना कर दिया था 100/100 से। देखो 100/100 तो एक होता है, तो मैंने कोई चेंज करा नहीं, तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ नहीं। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 2/5 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये गया 20 पर। तो ये कितना हो गया मेरा, 40%। तो ये कितना हो गया मेरा, 40% हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या करा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर लिया। एक काम करते हैं, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 3/4, इसको आप सभी कन्वर्ट करो। तो ये कैसे हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल। तो 4 1 जा 4, ये कितना हो गया, 25। तो 25 3 जा कितने हो गए मेरे, 75। तो ये कितना हो गया हमारा, 75% हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से आता होगा। जिस तरह मान लो 60% है, 60% है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज की जगह जो परसेंटेज की वैल्यू होती है हमारी 1/100, वो लिख देनी। ये कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 1/100। तो 2 से गया 3 पर, 20 हमारा गया 5 पर, तो ये हो गया हमारा 3/5। इसी तरह मान लो हमसे क्या निकालना है, 75% निकालना है। तो 75% कितना हो जाएगा, 75/100। 25 से डिवाइड करा तो ये हो गया 3, 25 से डिवाइड करा ये हो गया 4, तो ये आ गया हमारा 3/4। बहुत ही सिंपल था। ओके, सभी को पता है। अब क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन होते हैं हमारे, जो हमें याद रहने चाहिए, उनको नोट करते हैं, वो मेरे हर जगह यूज़ होंगे। देखो ये परसेंटेज वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज वाला चैप्टर आ गया तो आपके बाकी चैप्टर हो जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं, जो परसेंटेज है इसी का सब पार्ट हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। इसी का सब पार्ट होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और इसी का सब पार्ट होता है हमारा कंपाउंड लाभ और हानि हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आ जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारे इसी के टॉपिक होती हैं, इसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो परसेंटेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी ये कुछ भी नहीं है इनके अंदर, इनका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता वैसे देखा जाए तो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वाले हैं वो बात अलग हो जाती है, इनका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे ही चीज़ें चलती हैं। आप इन सभी को परसेंटेज बोल सकते हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं फ्रैक्शन के, वो हमें आने चाहिए, वो देख। सबसे पहला होता है हमारा 1/2। 1/2 किसने के बराबर होता है, 50% की। देखो अगर आपको निकालना है ना किसी का, तो जिस तरह से हमें पता ही है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारा 1/2 हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल। 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 50। ये कितना हो गया हमारा, 50%।
कितना हो गया 50%। दूसरा हो जाता है हमारा यहाँ पर 1/3। 1/3 बोले तो देखो 1/3 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल, ये कितने पे चला जाएगा 33.33 पे चला जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया 33.33%, या फिर इसको हम लिख देंगे 33 1/3%। ये क्या हो जाएगा 33 1/3%। बात ये होती है कि पेपर में ये चीज़ ना वो डायरेक्ट देगा, ये वाली चीज़ क्या करता है वो डायरेक्ट देता है और हमसे पूछता है, तब हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ लिखता हूँ मैं 1/4। 1/4 का मतलब हो जाता है हमारा 25%। 1/4 कितना होता है 25%। देखो अब 1/4 है तो यहाँ पर 2/4 भी होगा, ठीक है। 2/4 1/2 ही हो जाता है तो ये 50% हो जाता है, इसलिए इसे याद नहीं कर रही। इस बार हम इसके बाद क्या आता है हमारा 3/4 कितना हो जाता है 75। दो तरीके हैं, या तो 3/4 को हम 100% से मल्टीप्लाई करके निकाल लें 25 75, या फिर जब मुझे ये पता है कि 1/4 25% है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 75 मिल जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो क्या होता है, कोई वैल्यू है, अगर आपको ये पता चल गया, मिटा देते, अब मान लो ये कहता है कि कोई भी वैल्यू है, हम उसको मान लेते हैं 100%। अगर वो कम हो जाती है 25% से कम हो जाती है, 25% से कम होने का मतलब है मैंने उस संख्या में से 1/4 घटा दिया, तो ये आ जाता है 3/4। अगर मैं बोलूँ तो ये 75% होगा और ये होगा हमारा 3/4। पेपर के अंदर हमें ये सोचना ना पड़े और इसको फ्रैक्शन में लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये चीज़ें ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये हमें लर्न होनी, ये हर जगह काम आते हैं और यही चीज़ परसेंटेज के अंदर टाइम बचाती है। और आप देखोगे ना कि कई टीचर होते हैं वो डायरेक्ट कर देती हैं और फिर हमें लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुकी हैं, करने को हम भी कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इंटेलिजेंट दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एक बार समझ में आ जाए ना, उसके बाद अगर आप इंटेलिजेंट दिख जाओगे तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जितने भी कोई चीज़ याद करने की है वो याद करें। मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको कि भैया मैं मैथ ऐसी समझा दूँगा कि आपको कुछ एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले ही बोल रहा हूँ भैया ये याद होनी चाहिए, ओके। याद करने वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, याद होने उसके लिए हमें आइंस्टाइन बनने की जरूरत। अब चौथी चीज़ देखते हैं, अब इसके अंदर 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, तो आता है 1/5। 1/5 हो जाता है हमारा कितना 20%। 1/5 कितना होता है 20%। अब 1/5 आया है तो 2/5 भी आएगा। 2/5 कितना हो जाएगा इसका दुगना 40%। का मतलब कभी भी आपको 40% दिख रहा है तो वो कितना होना चाहिए 2/5। इसको इधर से इधर भी याद करना है और इधर से इधर भी याद। इसी तरह हमारा 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा हमारा 60%। 4/5 हो जाएगा हमारा 80%। और 5/5 हम कर नहीं रहे, इधर 4/4 भी नहीं करा क्योंकि वो हो जाता है हमारा, सिंपल सी बात है, 100%। और 1/3 2/3 ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सभी को पता होता है, ये 66.66% हो जाएगा। 66 की जगह फिर इसको 67 लिख देते हैं, या फिर 66 2/3% लिख देंगे इसको। तो ये सब पता है, ये 3 का पता है, ये 5 का भी पता ही होगा। अब बात करते हैं पांचवे पे आते हैं 1/6। 1/6 कितना होता है, 1/6 देखो ये क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई में 1/2, मतलब 1/3 का आधा हो जाए। क्या कहा मैंने, 1/3 का आधा हो गया, तो हाफ से मल्टीप्लाई करा है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 33। 1/3 का आधा कितना हो जाएगा 16 2/3%, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये होता है मेरा 50/3। 100/6% हुआ, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 50, तो ये कितना हो गया 50/3, ठीक है। वो अब क्या करता है पेपर बनाने वाला, पहले तो इन फ्रैक्शन में से देता था, इसमें से देता था, इसमें से देता था, लेकिन अब वो थोड़ी कैलकुलेशन को दिखाने के लिए ना अब वो दूसरे फ्रैक्शन देने लग गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारे करने पड़े, ज़्यादा नहीं, दिन की 5-10 मिनट दोगे याद हो जाएंगे ये। अब एक बात बताओ, ये तो आ गया हमारा 16.67%,
वो ऐसे दे देगा इसे, कहेगा बताओ बेटा वैल्यू बताओ। इसके बाद 2 बाई 6, 2 बाई 6 तो मेरा 1 बाई 3 ही हो गया, और 1 बाई 3 का तो हमें पता है। 3 बाई 6 हमारा 1 बाई 2 हो गया, ये भी हमें पता है। 4 बाई 6 ये हमारा 2 बाई 3 हो गया, ये भी हमें पता है। बात आ गई अब हमारी 5 बाई 6, क्या आ गई हमारी 5 बाई 6, या फिर क्या हो जाए 5 बाई 6 को, मैं ये भी बोल सकता हूँ 100% में से मैंने 16 2/3% माइनस कर, या फिर इतना माइनस, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, इस नंबर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 5 से मल्टीप्लाई वाला बता दूँ, माइनस तो आप कर ही, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 16 2/3%। देखो 16 पंजे कितना होता है 80, ये हो गया 80, 5 दूनी कितना हो गया 10, 3%। अब ये 10 है और ये 3 है, और डिवाइड होगा तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो ये हो गया मेरा 83 1/3%। और ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट देखो, ये तो हमें पता ही है, तो ये तो यूज करने की ज़रूरत नहीं। बात ये है कि 1/6 वाले केस के अंदर हमारे दो इम्पोर्टेंट हो गए, पहला तो 1/6 किसके बराबर है, और दूसरा मेरा 5/6 के बराबर है। 5/6 होता है 83 1/3%, क्या होता है 83 1/3%। मैं बताता हूँ, ऊपर का नोट कर लिया होगा, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, बाकी वीडियो तो आप लोगों के पास है ही। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। ये पता तो होना चाहिए ना, हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिना पता होए तो मेहनत थोड़ी ना करता आजकल कोई। पहले थोड़ी, पहले वाली बात थोड़ी ना है कि टीचर ने कह दी और बच्चे कह रहे हैं ठीक है भैया सर ने कह दी तो कह दी, अब तो करना ही। आजकल के कहते हैं भैया कोई इंपॉर्टेंस है तो बताओ, नहीं तो हम नहीं कर रहे। तो इंपॉर्टेंस देखो, मैं कहता हूँ कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या, राइटिंग मत देख, जिसकी जनसंख्या कितनी थी 33,000 थी, ठीक है। अब वह पहली जनसंख्या की कुछ ऐसे ले देगा कि कुछ लोग चले गए या मर गए या गांव छोड़ के चले गए, कहीं चले गए पहले के मुकाबले 83.33% रह गई है, ये दे दिया उस, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट होंगे, पहले स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट जिनको सिर्फ परसेंटेज उन्होंने खुद पढ़ा है और वो पेपर देने चले गए, इसने क्या कहा पहले के मुकाबले इतने परसेंट रह गई है ना, तो अब बताने कि मौजूदा परसेंटेज, अब मौजूदा कितनी है, अब वहाँ पर क्या है मौजूदा कितने लोग हैं, यही बताने है ना। तो वो क्या करेगा, 33,000 को गुना कर देगा 83.33%। अब इसको वो सोल्व करेगा इसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। आपको भी दिख रहा है कि सोल्व करना कितना आसान है, और उसको भी दिख रहा है सोल्व करना कितना आसान है। अब उसके बाद एक आप लोगों, दूसरों में कौन हो आप लोगों को पता है कि भैया 83.33%, 83.33% मेरा कितने के बराबर होता है, 5/6 होता है, कितना होता है 5/6 होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस चीज़ को परसेंटेज में ना लिखते हुए इस चीज़ को आप सीधा फ्रैक्शन लिखोगे। 33,000 के अब कितने रह गए 5/6, मैंने क्या करा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख दिया, परसेंटेज को क्या करा है फ्रैक्शन में लिखा है, और कोई हमने जादू टोना नहीं करा इधर। तो अब 6 से डिवाइड कर लोगे, वो बताओ 6 कम 6 हो गया, ठीक है 6 पंजे 30, फिर गया 5 पे, फिर 0 0। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लोगे 25, 25 2 27, 27,500 अब उसकी जनसंख्या रह गई। अब एक बंदा इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और एक बंदा इधर से कर रहा है, अब किसके लिए आसान है आप खुद डिसाइड कर सकते। तो आपको पता चला मैंने क्यों दिया, पता चल गया होगा,
अब क्या हो रहा है इन क्वेश्चनों के अंदर हमारे साथ कि वो हमें आसान सी परसेंटेज नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा कि 25% कम हो गई, ये नहीं कह रहा कि 20-30% कम हो गई, ठीक है, या फिर 70% रह गई हो या 80% रह गई हो। देखो अगर 80% रह गई होती तो मैं आपको सीधा कह देता कि भैया 80 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं तो भैया फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं करवाता, 8 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 7 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 3 से करना बहुत आसान है। मैं कभी आपको दूसरी चीज़ की सजेस्ट ही नहीं करूँ, लेकिन हो क्या रहा है अब वो पेपर को टेंड उसको टाइम बढ़ाने के लिए, आपका टाइम कंज्यूम कराने के लिए उसको वो इस फॉर्मेट में दे रहा है। अगर वो अब इसको इस फॉर्मेट में दे रहा है तो इसके लिए हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आपको लिखवाने शुरू कर दिए। अब आपके ऊपर है कि आप मेरी बात को कितना सीरियस लेते हो, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, तो इनको याद कर लो कि 1/6 कितना होता है मेरा 16, 2/3%, और 5/6 कितना होता है 83.33 या 83 1/3%, 1/6 कितना हो गया 16.67%, और 5/6 कितना हो गया मेरा 83.33%। इन दोनों का जोड़ वैसे भी 100 ही तो होना ही है, या तो 100 में से 16 घटा के देख लो। पेपर के बीच में इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, इसलिए ये चीज़ें पहले याद करनी। अब चलते हैं अगले वाले पे। अभी बहुत टाइम है, अभी रोज़ थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज कर लोगे ना तो यही चीज़ प्रॉफिट लॉस में भी आपको फ़ायदा देगी, ठीक है, क्योंकि भैया वहाँ पे डिस्काउंट होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, परसेंटेज ही लगनी है और कुछ लगना नहीं है, तो ये चीज़ें काम आएंगी, ये नोट करते रहो, आपके भले की बात। तो 1/6 16.67% और 5/6 83.33%। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ तो ही चीज़ यहीं पर याद हो जाए, घर पे भी आपको इतना ज़्यादा लोड लेके जाने की ज़रूरत ना। उसके बाद अब अगला देखते हैं, अगला हो जाता है हमारा 1/7 1/7 हो जाता है मेरा 14/2/7%, कितना होता है 14/2, 14 2/7। अब देखो 2/7 आ जाएगा ना तो आपके लिए आसान हो जाता है कि भैया ये 1/7 का ही परसेंटेज होगा या 1/7 का ही कोई मल्टीपल होगा। अब देखो या तो 1/7 हो गया या 2/7, 2/7 क्या हो जाएगा इसका मल्टीपल, ये हो गया 28 4/7%। उसके बाद तीसरी बात करते हैं 3/7 कितना हो जाएगा, 14 3 कितना होता है मेरा 42, और वो कितना हो जाएगा 6/7, 42 6/7%। अब बटे में 7 दिख जाए ना आपको तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसी का मल्टीपल होगा। बात करते हैं कैसे, एक हो जाएगा मेरा 4/7, 4/7 कितना हो जाएगा 14 चौके 56, और यह हो गया 8, ये कितना हो गया हमारा 57 1/7%। 5/7 कितना हो जाएगा मेरा 14 पंजे कितना होता है हम 70 70, और 10 तो 10 था तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 71 3/7%, और क्या हो जाएगा मेरा 6/7%। 6/7 कितना हो जाएगा 14 6 84, और वो हो जाएगा 12, 12 था तो ऊपर 5 रह जाएगा, तो ये हो गया 85 5/7%, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो अगर वो डिनोमिनेटर में 7 दे देता है ना तो आपको समझ में आ जाए। 1/7 मुझे पता है कि 14 होता है, 1/7 क्या पता है मेरे को 14 होता है। अब कोई भी नंबर 14 की टेबल से जस्ट 1 या तो 14 की टेबल तक चलता रहे 3 तक, देखो 14 की टेबल, 14 की टेबल, डेसिमल को भूल जाओ अभी, 14 की टेबल तक, डेसिमल का तो आप अंदाज़ा लगा लो, 2 4 6 1 3 5, 2 4 6 1 3 5, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर देखो इसकी 4 की टेबल पे गया प्लस में 1, 5 की टेबल पे गया प्लस 1, 6 की टेबल पे गया प्लस 1, ठीक है, सिंपल था ना, बस यही चीज़ याद रखनी। 14 की टेबल के आसपास कोई सा भी हो, 1/7 मेरा किसके पास था 14 के पास, ये स्टार्टिंग में है। जैसे आप इसको 2-3 बार करोगे ना तो आप इतना भी ध्यान नहीं दोगे 14 की टेबल, आपको सीधा पता चल जाएगा भैया 4/7 कितना हो गया मेरा 57 1/7, ठीक है,
छः बटा सात कितना हो गया मेरा, 85, 5/7। इस तरह से आपको ये डायरेक्ट पता चल, स्टार्टिंग की बात होती है, स्टार्टिंग में बता दिया कि देखो ये 14 था, ये 14 है हमारा, फिर 28 हो गया, ये हमारा 42 हो गया, फिर इंटू में 4+1 57 हो गया, फिर इंटू में 5+1 71 हो गया, फिर इंटू में 6+1 85 हो गया, हमने 7 का भी कर लिया। उसके बाद 8 का आसान है, 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना है हमारा, 12.5। 12.5 कैसे पता, देखो 1/4 कितना होता है मेरा, 1/4 होता है मेरा 25%, तो 1/8 क्या है, इसका आधा, का आधा, तो ये हो गया हमारा 12.5%। 1/8 कितना हो गया मेरा, 12.5%, 1/8 हो गया हमारा 12.5%। अब देखो, अब यहाँ पर जो मेरा 2/4 होगा, 2/4 कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा मेरा 1/4, और 1/4 तो हमें पता ही है, तो वो निकालने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पर, एक होता है 3/8, ये इम्पोर्टेंट है। देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। 3/8 ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, 3/8 होता है मेरा 37%, कितना हो जाता है मेरा 37%। कैसे आया, इस चीज़ को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 36, और ये कितना हो गया 3/2, तो 3/2 है, ये कितना हो गया मेरा 37/2%, तो 37 1/2 है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, 3/8, 3/8 कह दूंगा, 37%। कहीं भी 37% दिख जाए ना, तो वो 3/8 यूज़ करवाना चाहता है, वो क्या करवाना चाहता है, 3/8 करवाना चाहता है, वो चाहता है कि आप ये फ्रैक्शन यूज़ करो, वो क्या चाहता है, आप ये फ्रैक्शन यूज़ करो, लेकिन उससे पहले आपको वो इसने परसेंटेज दे दी कि यहाँ से कन्वर्ट करके ये वाला फ्रैक्शन यूज़ करो, ये कहने का मतलब। तो 3/8 हो गया है हमारा, इसके अंदर वैसे यही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देखो 4/8 तो 1/2 हो गया, फिर एक 5/8 होता है, 5/8 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 62, 1/2 62 1/2। देखो ये 4 की टेबल के पास है, ये किसकी टेबल के पास था, 4 की, ये 12 की टेबल के, ठीक है, ये किसकी टेबल के पास है, 12 की टेबल। अब बात यह है कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे, बात सारी डिफरेंशिएट करने की है ना। देखो जो 8 होता है ना, 8 मेरा कंप्लीट डिवाइड करता है, और हर बार कितना दे रहा है, आखिरी में 0.5, आखिरी में कितना देगा 0.5, आखिरी में कितना देगा 0.5। हमारे नंबर हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है, और कौन से होते हैं, 1/5, 1/5 तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, देख चुके हैं हम, कोई डेसिमल आया ही नहीं। और इसके बाद होता है 1/10, 1/10 कोई दिक्कत नहीं देता है ये भी, तो जो ये नंबर होते हैं ना, ये वो नंबर मेरे डेसिमल में देख। देखो जब तक हम 8 की बात कर रहे हैं ना, देखो 1 की बात करी तो उसने कोई डेसिमल नहीं दिया, 4 के केस में कोई डेसिमल नहीं था, जो मेरा 8 है ना, 8, 8 के केस में आया डेसिमल 0.5। जब भी आपको कोई भी परसेंटेज दे रखी हो और वो किसके अंदर हो, 0.5 के अंदर हो, तो आप समझ सकते हो कि भैया वो 1/8 का है, वो क्या है, 1/8 का है, या तो आपको 0.5 दे रखा हो या 1/2 दे रखा हो, क्या हो, या तो हमको क्या दे रखा हो, 0.5, जिस तरह हमको दे दिया 12.5%, या कह दिया 37%, या क्या कह दिया उसने, 62.5%, आखिरी में 0.5 आ रहा है, इसका मतलब है ये किसका केस है, मेरे 1/8 में से कोई सा केस है। और फिर मैं क्या करूँगा, 12 के, हाँ बारह की टेबल से हम देख लेंगे कि कौन सा केस है, 1/8 का है, 3/8 का है, 5/8 का है, या 7/8 का है। अब खुद सोच के देखो, 7/8 के केस में क्या होगा, आखिरी में 5 होगा, और जो उसकी 7 की टेबल होती है ना, 12 7 कितना होता है, 84, और वो 84 के पास हो, 84 में कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 84 है, तो 87.5 बन जाता है,
कितना बन जाता है, 87.5 बन जाता है, आखिरी में आधा आ गया। ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएट करना ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि आपको बेसिक से याद भी ना कर, जो याद कर सकता है उसके लिए तो वेरी गुड है, मैं अभी भी मना नहीं करूँगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, आप देख कर बता सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन मैं अभी भी प्रीफर करूँगा याद कर। जिस तरह आपने ए बी सी डी याद कर रखी है ना, ठीक है, आप ए बी सी डी सुना सकते हो उसी तरह से इसको कर लो, बेनिफिट रहता है। तो हमारा 1/8 का केस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 1/9 का केस तो बहुत ही आसान होता है। जब खुद से याद करोगे ना तब आपको और भी आसान लगे। एक बटा नौ, 1/9 कितना हो जाता है मेरा, 11 1/9% क्या हो जाता है मेरा, 11 1/9%। बाकी 2/9 कितना हो जाएगा, 22 2/9, 33 2/33 3/9, ये सब करते रहो, बाकी क्या आप कर सकते हो। 1/10 कितना होता है मेरा, 10%, सभी को पता, लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद 1/11 क्या होता है, ये इसी का ही भाई है, दोनों आपस में भाई भाई हैं, ये हो जाएगा 9 1/11%, कितना हो जाएगा 9 1/11%। उसके बाद 1/12 की बात करते हैं, 1/12 कितना होता है, अब बारी आ गई 1/12, सोच के देख सकते हो 1/12 कितना होगा। 1/12 का मतलब हो गया 100 को डिवाइड कर दिया हमने 12, कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ, मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, आप भी लगाओ, 100 को कर दिया तो 12 की टेबल में 100 के पास कौन सा नंबर होता है, 8 पे, वेरी गुड, तो लिख दिया 8, कितना बचा अब, 12 8 96, 4, 4/12 बचना चाहिए था, देखो ये बचना चाहिए था 4/12, ऐसे आना चाहिए था, ये हो गया 1 पर गया, ये आ गया 3, तो कितना हो गया मेरा 8 1/3%, ये कितना हो गया मेरा 8 1/3%। अब जो नंबर होगा ना वो 8 की मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे, इसके मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे, 8 की मल्टीप्लाई में 8 पे जाएगा, फिर 16 पे जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, उससे आप आइडिया लगा लोगे, और आखिरी में क्या बचेगा, बाय 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, या तो 0.33 होगा या 0.67। जब भी समझ लाओ, जब भी समझ जाना कि भैया 0.33 या 0.67 है, या तो 1/6 है, 1/3 है, 1/12 है, इस तरह से आप समझ जाओगे। ठीक है, या फिर क्या होगा मेरा 1/15 होगा, अभी 15 पाएंगे तब उसकी बात करेंगे, उससे पहले की बात नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं। तो इसके आप निकाल सकते हो, 2/12 कितना हो जाता है मेरा, 2/12 हो गया 1/6। ठीक है, 3/12 कितना हो गया मेरा, 1/4, 4/12 कितना हो गया मेरा, 1/3, फिर आता है मेरा 5/12, कौन सा आता है, 5/12, 5/12 कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5, तो ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गया 5/3, ये कितना हो गया मेरा 41 2/3%, ये कितना हो गया 41 2/3%, आ गया 5/12। ठीक है, फिर 6/12 ऐसे चलता रहेगा, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट 3/8 है, ये इम्पोर्टेंट, ये सही में इम्पोर्टेंट है। फिर 1/13, इसी तरह से सब, बस 1/13 निकालो, 13 7 91, ये आ गया 7, ऊपर कितना आ जाएगा 9, नीचे आ गया 13, ये आ गया। उसी तरह से 1/14, 1/14, 1/7 पता है हमें, 1/7 कितना था, 14 2/7, अब 1/14 कर रही है, इसका मतलब है 1/7 को 1/2 से गुना कर दिया, मतलब इधर भी आधा कर दूंगा, ये हो जाएगा 7 1/7। वैसे भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, मेरे को पता है आपको 14 की टेबल आती है, 14 7 98 में कर दिया आपने, 14 7 98 कर दिया, 2/14 बचा, 2/14 को 1/7 कर दिया, मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन जब जो चीज़ रिलेट हो रही है ना आपस में, तो उससे आपको दो चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर 14 को भी ऐसे याद करोगे तो 7 का भी तो याद हो ही जाएगा, दो चीज़ें रिवाइज होंगी ना, इसलिए रिलेट करो। 1/15, ठीक है, 15 6 90 होता है, और ये आ गया 2/3, मैंने क्या कही थी जो 12 को बताया था कि भैया एक तो 1/3, 1/6, 1/12 और 1/15, इनके केस में 0.3333 आता है।
ओके, तो ये 1/15 आ गया। उसके बाद 1/16 कितना होता है, 16 6 96, 4/16 6%, कितना हो गया 6.25। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कमाल की बात यह है। देखो इनमें तो आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं, एक तो एक के नीचे 7 है, एक के नीचे 13 है, इनमें तो कन्फ्यूजन का कोई जिक्र ही नहीं होता। कन्फ्यूजन का जिक्र होता है 1/15 में और 1/16 में। ये है 6 2/3, मतलब 6.677, कितना है 6.67, ठीक है 1/15, 6.5 से बड़ा है 1/15। और 1/16 कितना हो गया 6.25, 6.5 से कम, 6.5 से कम 1/16, 6.5 से ज़्यादा 1/15, ऐसे कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया 6.25 ही हो गया, 1/16 कितना होता है 6.25। तो उसके बाद 1/17 होता है, 17 5 85 हो जाता है, और यहाँ पे कितना आ जाता है 15/17। डिनोमिनेटर में 17 है, कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे किसका है, प्राइम नंबर की खास बात है ना, ये तो प्राइम नंबर है, ये इस वजह से खास बात है इसकी। उसी तरह हमारा क्या हो जाता है अब 1/18, 1/18 कितना हो जाएगा 5 5/9, ठीक है 5 5/9%। और 1/19 कितना हो जाएगा 5 5/19, ये तो 19 है, इसमें कोई डरने की बात है ही नहीं, ये तो 9 है, 9 से तो समझ ही जाओगे कि भैया ये 18 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1/20 पता ही है आपको कितना होता है 5, 1/20 कितना होता है 5। तो ये फ्रैक्शन है ना, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिए, इसको अभी एक दो लेक्चर के बाद इनको अच्छे से यूज़ भी करना शुरू कर देंगे। तो वो होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम मिल जाए आपको कोई चीज़ याद करने का, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, हर जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इवन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी यूज़ होती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपकी बेसिक बनाए। तो इन सभी को आप याद कर लो, ठीक है, आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर, समझा दिए हैं, एक दो बार खुद को लिख लिख कर ऐसे समझाओ, हो जाए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत।